गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का EVS। और हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 6 को रीड कर लिया था और आज हम लोग उसका एक्सरसाइज करेंगे। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं करना। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द हाउसेज एंड कल्चरल आर्ट्स ऑफ ट्राइबल आर मोस्टली मेड यूजिंग ब्रिक्स, लीव्स या बम्बू। इसका आंसर है बम्बू। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन या इरोजन। इसका आंसर है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। मेधा पाटकर इज एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, साइलेंट वैली मूवमेंट। इसका आंसर है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ओके। वन महोत्सव एनकरेजेज पीपल टू प्लांट मोर ट्रीज, कट मोर ट्रीज, पॉल्यूट द एनवायरमेंट। इसका आंसर है प्लांट मोर ट्रीज। ओके। नेक्स्ट हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। इन इंडिया अराउंड 8% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड द रियल फॉरेस्ट कवर इज 10.5%। ठीक है। फर्स्ट हम लोग फिल करेंगे 8%, देन 10.5%। टू, ट्राइबल पीपल आर ऑल्सो कॉल्ड आदिवासीज। इसमें हम लोग फिल करेंगे आदिवासीज। थर्ड, ट्राइबल लूज देयर शेल्टर एंड लाइवलीहुड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। फर्स्ट हम लोग फिल करेंगे शेल्टर, देन लाइवलीहुड। फोर्थ, चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई सुंदर लाल बहुगुना इन 1970। इसमें फिल करेंगे सुंदर लाल बहुगुना। फिफ्थ, प्रोटेक्टेड एरियाज लार्जर देन सेंचुरीज आर कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें फिल करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट हम लोग मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। सॉइल इरोजन का होगा सी, वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल। चिपको मूवमेंट का होगा ए, सुंदर लाल बहुगुना। बाबा आमटे एंड मेधा पाटकर का होगा ई, नर्मदा बचाओ आंदोलन। फोर्थ, सेक्रेड ग्रुप्स का होगा डी, मेघालय एंड मणिपुर। फिफ्थ, साइलेंट वैली का होगा बी, एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये हमारा एक्सरसाइज हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। अपने कॉपी में EVS की नोटबुक निकालेंगे और क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करेंगे। सो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इसका आंसर लिखेंगे। सो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे सबसे पहले इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फॉरेस्ट इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, फॉरेस्ट प्यूरिफाई एयर, ब्रिंग more rainfall, prevent soil erosion, etc. Point 3, likhenge point 3, we get resin, fruits, gums, water and medicine from forest. Question number two है, write a short note on tribes, name some Indian tribes. इसका आंसर हम लिखेंगे, people who live in the middle of the forested mountains and have their own special skills to live with
नेचर आर कॉल्ड ट्राइब्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड आदिवासीज। लिखेंगे नेक्स्ट पैरा से, दे सेंथाल्स ओरांस मुंडाज अपातनीज एंड आर सम इंडियन ट्राइब्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री। सो क्वेश्चन नंबर थ्री है, डिफाइन डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेस। इसका आंसर हम लिखेंगे। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन का लिखेंगे। The cutting down of trees on a large scale is called deforestation। Soil erosion का लिखेंगे। The soil becomes loose due to deforestation rain and wind wash away the soil is called soil erosion। Their consequences is to reduced agricultural output and food shortage। Next question number 4, write about the Chipko movement। इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर है चिपको movement was started by Sundar Lal Bahuguna in 1972 to safeguard the rich forest in the western Himalayan range to resist the cutting of ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अबाउट द नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसका आंसर है नर्मदा बचाओ आंदोलन
वॉज स्टार्टेड इन गुजरात टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन द रिवर नर्मदा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटी टू द ड्रॉट प्रॉन एरियाज ऑफ कच्छ। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय गवर्नमेंट। इसका आंसर लिखेंगे, टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट वेरियस नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन सेटअप। गवर्नमेंट ऑल्सो मेड 17 बायोस्फीयर रिजर्व। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेड 17 बायोस्फीयर रिजर्व। यह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और ये सारे क्वेश्चन आंसर आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है।